हे गाइस नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं 9 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। कुल 7 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, पांचवा चरण 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च को और सातवां चरण है 7 मार्च को। 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरणों में होगा मतदान। 14 फरवरी को होंगे पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा, 27 फरवरी और 3 मार्च को। और उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर होगा, पंजाब की 117 सीटों पर, उत्तराखंड में 70 सीटों पर, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 सीटों पर चुनाव होगा। चलते अगली न्यूज़ पे। नागालैंड की पहाड़ी क्षेत्र में हाल ही में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ दिखाई दिया है। भारत और ये जहाँ पर धूमिल तेंदुआ मिला है, भारत और म्यांमार का सीमा का जुड़ा हुआ है। तेंदुए की प्रजाति लुप्त है प्राय। शोधकर्ता हूँ धूमिल तेंदुए की नई शोध रिपोर्ट हाल ही में कैट न्यूज में जारी की है। ये दुर्लभ तेंदुआ नियोफिलिस निबुलोसा वर्ग का है। नियोफिलिस निबुलोसा वर्ग यह तेंदुए की सबसे छोटी प्रजाति है। इन तेंदुओं को नागालैंड में बादल वाले तेंदुए या खेपक, इंपॉर्टेंट है नाम, खेपक लिख लीजिए। खेपक अर्थ होता है भूरे रंग की बड़ी बिल्ली। और भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित है एलसी पर पिछले 2 साल से तनाव जारी है। इस बीच दोनों सेनाओं ने सातवें दौर की बातचीत के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है, जनवरी की तारीख तय की है। इस बार दोनों तरफ के नए कमांडर बैठक का नेतृत्व करेंगे। चीन की तरफ से इस बैठक में दक्षिण शिनजियांग जिले के सेना प्रमुख जनरल यांग लिन शामिल होंगे। वहीं भारत की तरफ से बातचीत के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिध सेन गुप्ता शामिल होंगे। अनिध सेन गुप्ता भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट से है। उन्होंने इस हफ्ते बुधवार को आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी फोर कमांडर का प्रतिनिधित्व संभाला है। ये पहली बार होगा जब फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर बातचीत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलते हैं अगली न्यूज पे। 2 दिन पहले एक वीडियो बना, इसी चैनल पे एक वीडियो आया था पीएम सिक्योरिटी लैब्स में। उसमें मैंने बोला था कि ये कुछ ना कुछ होगा तो ये डीजीपी की नौकरी तो खाएगा ही खाएगा, वही हुआ। पंजाब के पहले डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटा दिया गया है। नया डीजीपी आया है वीरेंद्र कुमार भावरा को पदभार सौंपा गया है। ये 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है और पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक के नए महासचिव हेथमल सिंह बने हैं। इन्होंने मोहम्मद बारकिंडो को का स्थान लिया है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके सदस्य देश संख्या है 13। भारत के शीर्ष अंकशास्त्री जैसी चौधरी ने हाल ही में 6,000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड पूछा जा सकता है। जैसी चौधरी के नाम है, अंक शास्त्री है वो एक। ये पहला 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन कार्यालय इस पदवी के लिए एक नई श्रेणी न्यूमरोलॉजी खोली है। अंक शास्त्री किस श्रेणी में है? न्यूमरोलॉजी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यूमरोलॉजी। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की घोषणा की है। इस पॉलिसी को अकादमिक संस्था को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार में स्कूली बसों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। नाम सुन ले दोबारा, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 SSIP। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना नया ब्रांड एंडोसर नियुक्त किया है। सैफाली वर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर है। सैफाली वर्मा ने सचिन तेंदुलकर के 30 साल पुराने उस रिकॉर्ड को हाल में तोड़ा है। केंद्र सरकार ने विजय पॉल शर्मा को हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है।
विजय पॉल भारतीय, विजय पॉल शर्मा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के कृषि प्रबंधन केंद्र में प्रोफेसर है। आज 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 में हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग की उपज है। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिलीपींस की सरकार में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में विश्व भर में देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। फिलीपींस में 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल की सजा होगी। फिलीपींस ने बिल्कुल वो पाबंदी लगा दी है। इससे पहले भारत में भी कुछ दिन पहले एक मेमोरेंडम आया था 21 साल की उम्र बढ़ाने को लेकर, उस पर आगे कोई अपडेट आई नहीं है, आएगी तो हम बात करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट, शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद। आज का यही समाप्त करते हैं।